रॉ आफ्टर रेसलमेनिया खत्म होने के बाद क्या हुआ? क्या कोडी रोड्स ने इनडायरेक्टली रोमन रिंग्स को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करा? स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन का फ्यूचर अब WWE में क्या है? आखिर MVP ने बॉबी लैशली को क्यों धोखा दिया? साथ में रिवील करेंगे कि कौन सी फीमेल सुपरस्टार हमें रेटेड आर सुपरस्टार एच का फैक्शन यानी कि टीम को ज्वाइन करते हुए दिख सकती है? क्या WWE हकीकत में हमें सेथ रोलिंग्स और बैकी लिंच को कोई पनिशमेंट देती हुई दिख रही है? दोस्तों होगा इस वीडियो में काफी कुछ रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन के नेक्स्ट मैच के बारे में। स्टीव ऑस्टन ने रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 और नाइट 2 पे दोनों में ही हंगामा मचा दिया। नाइट 1 में एक मैच खेला तो नाइट 2 पे हमें तीन तीन लोगों को स्टनर मारते हुए दिखे। स्टीव ऑस्टन का फ्यूचर अब WWE के साथ क्या है? रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 पे केविन ओवेंस के खिलाफ खेला गया मैच नो होल्ड्स बार्ड मैच। अब दोस्तों यही कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि स्टीव ऑस्टन के करियर का आखिरी मैच होगा। ना ही WWE ना ही स्टीव ऑस्टन अपनी रेसलिंग में फिर से रिटर्न करके अब WWE के लिए कोई मैच खेलना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों स्टीव ऑस्टन का अगला मैच अब किसी के भी साथ नहीं है और रेसलमेनिया 38 की नाइट 1 पे खेला गया स्टीव ऑस्टन का मैच केविन ओवेंस के खिलाफ उनके करियर का अब आखिरी मैच हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर MVP ने क्यों बॉबी लैशली को मंडे नाइट रॉ पे धोखा दिया और WWE के जायंट सुपरस्टार ओमास को ज्वाइन करा। दोस्तों MVP ने दोस्तों रिवील करा बजट कट सोशल मीडिया पे, पर दोस्तों ये कोई रियल रीजन नहीं था। दोस्तों रियल रीजन ये है कि एक तो बॉबी लैशली अपने माइक स्किल्स को इम्प्रूव कर चुके हैं और ओमास जिसको WWE एक बड़ा सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती है उसकी माइक स्किल्स काफी ज्यादा वीक है। इसीलिए WWE बॉबी लैशली जो एज ए एडवोकेट एक स्पेशल काउंसल या मैनेजर काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं बॉबी लैशली के साथ, बॉबी लैशली की सक्सेस में MVP का एक बड़ा रोल है। इसीलिए WWE ने अब ओमास के साथ बॉबी लैशली को अटैच करा है ताकि जैसी सक्सेस बॉबी लैशली को मिल गई बिना माइक स्किल्स के ऐसे ही सक्सेस अब ओमास को भी मिल सके ताकि वो MVP के जरिए अपनी बातें पूरे क्राउड के सामने एक विलेनस तरीके से कह सके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेथ रोलिंग्स और बैकी लिंच के बारे में। लगातार दोस्तों WWE की बुकिंग में एक चीज दिखी है कि सेथ रोलिंग्स और बैकी लिंच अपने मैचेस हारी है। बैकी लिंच को तो रेसलमेनिया 38 पे मैच हारने से पहले अपने बालों तक को कटवाना पड़ा। विंस रूसो जो WWE के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि WWE सेथ रोलिंग्स और बैकी लिंच को एक कमेंट की वजह से पनिशमेंट दे रही है। ये विंस मैकमैन का स्टाइल है। दोस्तों विंस रूसो का कहना है कि जब बैकी लिंच स्टीव ऑस्टन के पॉडकास्ट पे अपेयर हुई थी आज से एक साल पहले, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि अब रेसलिंग उनकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बल्कि अब मदरहुड उनकी नंबर वन प्रायोरिटी के तौर पे आता है। विंस रूसो का मानना है कि इसी कमेंट्स की वजह से विंस मैकमैन नाराज हैं और लगातार वो सेथ रोलिंग्स और बैकी लिंच को पनिशमेंट दे रहे हैं WWE में उनकी बुकिंग बेकार करके, स्पेशली सेथ रोलिंग्स की बुकिंग बेकार करके, और अब लगता है कि द मैन बैकी लिंच की बुकिंग भी आपको बेकार ही देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन ने ऑस्टिन थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच दे दिया है। अब दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी हमें मंडे नाइट रॉ पे फिन बेलर के खिलाफ US चैंपियनशिप का मैच खेलते हुए दिखेंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिन बेलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का ये फ्यूड कंटिन्यू रहेगा रेसलमेनिया बैकलैश तक, जहां पे हमें पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑस्टिन थ्योरी जीतते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एच के फैक्शन के बारे में। रेसलमेनिया 38 पे डेमियन प्रीस्ट ने रेटेड आर सुपरस्टार एच को ज्वाइन करा और मंडे नाइट रॉ पे
एज की हेल्प भी करी एज स्टाइल्स की पिटाई करने में। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई और सुपरस्टार्स भी हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज के फैक्शन को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। पर रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फीमेल सुपरस्टार रिया रिपली हमें जल्द ही रेटेड आर सुपरस्टार एज को ज्वाइन करते हुए दिख सकती है। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ पे रिया रिपली और लिम मॉर्गन के बीच में दूरियां दिखाई थी और रिया रिपली का हील टर्न होता हुआ दिखाया गया था। बेशक बैकस्टेज इन दोनों ने पैचअप कर लिया क्योंकि अगले हफ्ते हमें फिर से एक गोल्ड यानी कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा। पर दोस्तों रिया रिपली और लिम मॉर्गन ये मैच हारेंगी जिसके बाद हमें रिया रिपली जल्द ही एक हील सुपरस्टार और उसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार एच ओ डेमियन प्रीस्ट को ज्वाइन करते हुए दिख सकती हैं। दोस्तों इसके बाद अब बात करेंगे रोमन रिंग्स और केविन ओवंस के बीच में रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 38 के खत्म होने के बाद क्या हुआ। रोमन रिंग्स ने मंडे नाइट रॉ पे एक प्रोमो कट करा जिसके बाद उन्हें किसी भी सुपरस्टार ने कन्फ्रंट नहीं करा। पर रोमन रिंग्स जब वापस जाने लगे बैक स्टेज तब उन्हें स्टेज पे केविन ओवंस जो अपनी एंट्रेंस कर रहे थे कोडी रोड्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए उन्होंने कन्फ्रंट करा। दोस्तों ये एक फ्रेंडली कन्फ्रंटेशन थी कोई मैच को लेके नहीं थी। दोस्तों केविन ओवंस ने रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 को मेन इवेंट करने के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाई। रोमन रिंग्स ने भी केविन ओवंस की नाइट 1 की परफॉर्मेंस और रेसलमेनिया नाइट 1 को मेन इवेंट करने पे उन्हें रिस्पेक्ट दिखाई जिसके बाद ये दोनों सुपरस्टार अपने अपने कामों की तरफ आगे बढ़ गए। तो दोस्तों पर इसके बाद जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हुई दोस्तों कोडी रोड्स ने अपने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में कहा था कि उनके डैड तो चैंपियन नहीं बन पाए पर वो चाहते हैं कि वो WWE में चैंपियन बने। कोडी रोड्स ने पर दोस्तों रॉ आफ्टर रेसलमेनिया खत्म होने के बाद दिए गए WWE डिजिटल को इंटरव्यू में तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कह दी कि वो अपनी रिटर्न WWE में सिर्फ ऐसे नॉर्मल WWE सुपरस्टार बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका एम यही है कि वो यहां पे चैंपियन बन सकें। यानी कि कोडी रोड्स ने साफ कर दिया है कि वो WWE की टॉप चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। यानी कि रोमन रिंग्स जिनके पास अभी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है कोडी रोड्स ने इनडायरेक्टली रोमन रिंग्स को चैलेंज कर दिया है। पर दोस्तों रेसलमेनिया बैकलैश पे पहले हमें कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रोलिंग्स के बीच में ही मैच देखने को मिलेगा और उसके बाद ही रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में हमें अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। हो सकता है दोस्तों हमें इस मैच को देखने का इंतजार काफी करना पड़े और SummerSlam 2022 पे ही हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रिंग्स का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स भिड़ेंगे तो कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।